60 की ओर। आरसीए चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आई, राजेंद्र नांदो गुट के सभी प्रत्याशियों ने नाम वापस लिए हैं, निर्विरोध हो सकता है आरसीए चुनाव। सीपी जोशी साहब से वार्ता हुई और उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि जो हमारे जो 5 जिले विशेष रूप से गंगानगर, नागौर और ये अलवर, भरतपुर और धौलपुर, इनके साथ जो अन्याय हो रहा था, खिलाड़ियों के साथ जो अन्याय हो रहा था, वो आगे से नहीं होगा और वो हमारा सहयोग करेंगे। और हम खिलाड़ियों के लिए लड़ रहे थे ये इलेक्शन, ताकि खिलाड़ियों के साथ जो उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा था और जो उनका हक मारा जा रहा था, तो वो हक उनको मिले। टॉप में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, सोहेला पटवारी नारायण लाल सैंग को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। पटवारी ने 1,00,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। सत्यापन करवाया गया तो डिमांड सही पाई गई, इस पे आज कार्रवाई करते हुए टोकन मनी के रूप में जो 20,000 रुपए पाउडर लगे नोट दिए थे परिवादी को, तो मौके पर पटवारी ने उससे 50,000 रुपए मांगे। पटवारी परिवादी ने कहा कि उसके पास 20,000 ही है और उसमें से 5,000 रुपए पटवारी ने लिए और रंगे हाथों उसको गिरफ्तार किया। तो वही सीएम अशोक गहलोत ने भरतपुर की 2,750 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की यहां पर सौगात दी है और वही किसान सभा को भी संबोधित किया और बोले गहलोत के कोई भूखा नहीं सोएगा, ये संकल्प साकार किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शासन सचिवालय की कॉन्फ्रेंस हॉल में युवा, खिलाड़ी, महिलाओं और प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के साथ बजट पूर्व संवाद किया। सीएम ने कहा कि राजस्थान के युवा अपनी योग्यता के दम पर राज्य के विकास में भागीदार बने। अगली बार हम चाहते हैं कि युवाओं के लिए एरिया मजबूत बने। अब युवा है, छात्र है, बच्चे जो भी हैं, महिलाएं हैं, ये सेक्टर भी आने वाले वक्त में अच्छी सुझाव आएंगे, हम चाहेंगे बजट में उनको सम्मिलित। जल जीवन मिशन में गड़बड़ी करने वाली कंपनियों को लेकर जलदाय विभाग सख्त हुआ है, दोषी कंपनियां ब्लैकलिस्ट होंगी और जी राजस्थान की खबर का असर यहां पर देखने को मिला है। अलवर में घटिया क्वालिटी के पाइप का यहां पर मुद्दा उठाया था। उधर उदयपुर में हुए कन्हैयालाल हत्याकांड में एनआईए की चार्जशीट में बड़ा खुलासा हुआ है, पाकिस्तान में रची गई थी मर्डर की साजिश और चार्जशीट में 11 आरोपियों के नाम। सरदारशहर में स्थित करनी माता मंदिर को तोड़ने के आदेश दिए गए हैं, हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद श्रद्धालुओं में नाराजगी है, 4 जनवरी तक इस मंदिर को तोड़ा जाएगा। कोई कथा नहीं है, किसी भी 4 गाड़ी निकलो, 5 निकलो, 6 निकलो, यहाँ पर खूब जगह है। सभी श्रद्धालुओं का एक ही दिन है कि ये मंदिर की एक ईंट भी बाकी नहीं होनी चाहिए, हम मर सकते हैं लेकिन ये मंदिर बाकी ईंट भी नहीं होनी चाहिए। रोड से 75 फीट की दूरी में ये मंदिर आता है और इसको लेकर शहर के मिलाप माली नामक एक व्यक्ति ने जोधपुर हाईकोर्ट में मंदिर को हटाने की याचिका दायर की थी। स्थानीय लोगों ने यहां पर चेतावनी दी है, मंदिर की एक ईंट तक को यहां से नहीं हटाने देंगे। जयपुर के सुशीलपुरा में आवारा पशुओं को पकड़ने गई टीम का विरोध हुआ, लोगों के विरोध के बाद टीम वापस बेरंग लौटी है। सड़कों पर आवारा पशुओं के विचरण से आए दिन हादसे होते हैं।
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा जल जीवन मिशन के तय लक्ष्य हासिल करने की दिशा में एक और कदम 1056 करोड़ रुपए की संशोधित लघु पेयजल योजनाएं स्वीकृत हुई हैं। 1,18,000 से अधिक जल कनेक्शन भी होंगे। भीलवाड़ा शहर के कोतवाली थाना इलाके में कोहरे का कहर देखने को मिला, जहां पर मॉर्निंग वॉक पर निकले प्रॉपर्टी कारोबारी को एक बेकाबू चोले ने कुचल दिया और जिससे उनकी मौत हो गई। उधर हादसे में एक युवक की मौत के बाद लोगों की नाराजगी देखने को मिली। समाज के लोगों ने 1 करोड़ के मुआवजे की मांग करते हुए हंगामा कर दिया। उधर विरोध में भीलवाड़ा की बाजारें भी बंद की गई। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि प्रथमतः इस घटना के दोषी समस्त प्रकार के दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देकर सामने लाया जाए एवं इस घटना में जो क्षति समाज को हुई है उसके परिवार को एक बंधु को सरकारी नौकरी और कम से कम 1 करोड़ रुपए की हम मुआवजे की मांग करते हैं और जब तक इस मांग की पूर्ति नहीं होगी हम हमारा आंदोलन कंटिन्यू रखेंगे। उदयपुर के बोहरा गणेश इलाके में हंगामा हुआ आपस में छात्र के गुट। यहां पर छात्र गुट जो है वो आपस में भिड़े हैं, जिसका सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है और आए दिन यहां पर होने वाले झगड़ों से स्थानीय लोग परेशान हैं। पुलिस पर ठोस कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया है। भिवाड़ी में अनियंत्रित होकर गाड़ी नाले में गिरी और डूबने से एक युवक की यहां पर मौत हुई है और एक युवक को ग्रामीणों ने बचाया है। मृतक के शव को मोर्चरी में रखवाया गया है। विकास और मनीष जो अल्टिका गाड़ी में जा रहे थे और उसके बाद में प्रथम दृश्य सूचना पूछने पर लोगों ने बताया कि उनकी शराब पी हुई थी। एक को तो तेरान सोसाइटी के पास जो बड़ा नाला बड़ा उसमें अल्टिका गाड़ी घुस गई शराब की नशे वजह से, एक को तो निकाल लिया चिल्लाने पर। दूसरा लड़का जो पीछे बैठा था उसका पता नहीं चला था, उसकी संभवतः मृतक की डूबने से मृत्यु हुई। अब जैसे परिवारजन रिपोर्ट देंगे उसके बाद पोस्टमार्टम कराएंगे आगामी का। जयपुर के विश्वकर्मा थाना इलाके में साथी कर्मचारी ने कर्मचारी की चाकू गोदकर हत्या कर दी। आरोपी आरएफ ने अपने साथियों के साथ मिलकर सबीर की यहां पर हत्या की है और फ्लिपकार्ट के ऑफिस में साथ में काम करते थे आरएफ और सबीर। गाड़ी में माल लोड करने की बात पर दोनों में झगड़ा हुआ था। हमें सूचना मिली तो सबीर को एम्बुलेंस की मदद से शास्त्री नगर काउंटी हॉस्पिटल भिजवाया गया जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में प्रकरण दर्ज कर लिया गया है, आरोपियों की पूछताछ की जा रही है। शीघ्र ही त्वरित एवं कठोर कार्रवाई की जाएगी। जयपुर शहर में एटीएम धोखाधड़ी मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ा है और आरोपी अमन सिंह ने दर्जन एटीएम कार्ड बदलकर ठगी करने की वारदातें कबूल की है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी मामले में आरोपी पूर्व अधिवक्ता गोवर्धन सिंह प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार हुआ है। मुलजिम से जब्त पेनड्राइव में नाबालिग बच्चों की उम्र के तकरीबन 100 अश्लील वीडियो मिले हैं, जबकि पेनड्राइव में 40 महिलाओं की भी अश्लील फोटोग्राफ्स मिले हैं। बांसवाड़ा जिले के सुंदरपुर गांव में एक युवक ने बाइक से पेट्रोल निकालकर अपने ऊपर छिड़क लिया और आग लगा ली। इस हादसे में युवक गंभीर रूप से झुलस गया, जिसे परिजनों ने जिला अस्पताल में भर्ती करवाया है। कोटा की रामगंज मंडी में 18 नवंबर को युवक पर जानलेवा हमले के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने वारदात में शामिल 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है और इनमें से 2 आरोपी रामगंज मंडी के हिस्ट्री शूटर हैं। 3 आरोपी को गिरफ्तार किए हैं, असुपाया मोहित जैन जो स्ट्री शीटर है और एक सोनू गुजर है, जिनको अरेस्ट किए हैं, जिनको कोर्ट में पेश किया जाएगा और निस्तिमान प्राप्त किया जाकर अनुसंधान किया जाएगा। प्रतापगढ़ में चड्डी चोर गैंग ने शहर में उत्पात मचा रखा है। शहर में अलग अलग जगहों पर चड्डी चोर गैंग के लोग जो है वो सीसीटीवी में कैद हो रहे हैं और पुलिस सीसीटीवी के आधार पर गैंग की तलाश में जुटी है। राजसमंद के नाथद्वारा में बस स्टैंड पर अचेत अवस्था में एक युवक मिला। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
अजमेर के कुंदनगर में एक मकान में एलपीजी की अवैध रिफिलिंग करके मुनाफाखोरी के अवैध कारोबार का खुलासा हुआ है। रसद विभाग की टीम ने यहां पर दबिश देकर गैस एजेंसी के समांतर चल रहे एलपीजी प्लांट को पकड़ा है और जुगाड़ पंप से घरेलू सिलेंडर से व्यावसायिक सिलेंडर बनाने का यहां पर कारोबार चल रहा था। मौके पर जब हमने जांच की तो उनके यहाँ कुल 68 सिलेंडर वहाँ से बरामद हुए। उन सिलेंडर्स का हमने वजन कराया तो लगभग 420 किलो गैस उनके अंदर भरी पाई गई। ओम प्रकाश सांखला अभी उनके से अभी हमने जो सामग्री जब्त की है वो माननीय जिला कलेक्टर महोदय के न्यायालय में पेश की जाएगी और आगे उनके निर्देशानुसार जो भी विधिक कार्रवाई होगी वो कार्रवाई अमल में लगेगी। उधर कोटा जिले के चेचड़ ग्राम पंचायत के वार्ड पंचों ने माइनिंग इंजीनियर और उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर एक्सप्रेस हाईवे निर्माण में अनियमितता का आरोप लगाया है। वार्ड पंचों का कहना है कि चेचड़ क्षेत्र में चल रहे एक्सप्रेस हाईवे के काम में अवैध तरीके से मिट्टी की खुदाई की जा रही है। धौलपुर के सरमथुरा उपखंड में डिस्कॉम ने बकायेदारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए करीब 4,50,000 के बकाया पर मल्लुपुरा और रिक्शरा की बिजली बंद कर दी है। इधर चिलाखोर में मौके पर वसूले गए यहां पर 57,000 रुपए। अलवर के रामगढ़ में नर्सिंग कर्मियों की लापरवाही के चलते मुश्किल में आई गर्भवती और उसके नवजात की जान। अस्पताल में तड़पती रही गर्भवती महिला और नर्सिंग कर्मी बेपरवाह गहरी नींद में सोते रहे। उधर मजबूर पति ने जनरल वार्ड में अपने हाथों से पत्नी की डिलीवरी करवाई। ये कहीं ना कहीं लापरवाही का कारण है कि इतने शोर में भी नहीं जग पाया। बाद में वो व्यक्ति उधर लेबर रूम में बहन जी के पास गया तो लापरवाही तो है, उस परिजन का आरोप लगाना मिथ्या नहीं है। शिफ्ट का तो शायद डॉक्टर साहब बता रहे थे वहाँ ज्यादा ठंड है, इस वजह से नहीं किया गया। प्रभारी मंत्री बीडी कला अलवर दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने सरकार के 4 साल पर होने वाली प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और लोगों ने पहुंचकर मंत्री से लगाए हुए पट्टे देने की गुहार की। पट्टे जो मिल रहे हैं हम 6 महीने से चक्कर काट रहे हैं यूआईटी के, हमको आज तक मतलब कोई ने ढंग से बात नहीं करी और नहीं कोई ने यह आश्वासन दिया कि तुमको पट्टे मिलेंगे। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री साहब से भी मिला था वहाँ तिजारा, उनको भी मैंने ज्ञापन दिया, उन्होंने ये कहा कि भाई तुम इस पत्र का पीछा करो। पत्र का पीछा करा सचिव महोदय टाइम की वो थी मंजू जी, उन्होंने कहा भाई हमने एक सर को निकाला है लेटर, उसको हमने राज्य सरकार को भेज दिया, वहाँ से कोई गाइडेंस नहीं आएगी जब आपको पट्टे मिलेंगे। बीकानेर के महाजन की श्री गोपीनाथ गौशाला में आग लगने से 4,000 क्विंटल पशुओं का चारा जल गया है। फिलहाल आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है और आग लगाने की आशंका जताई जा रही है। अजमेर के किशनगढ़ में साइजिंग फैक्ट्री में आग लग गई। पावर लूम एरिया में आग लगने से अफरा तफरी मची और सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। उधर फैक्ट्री में आग की वजह से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। श्री डोंगरगढ़ क्षेत्र के विश्व प्रसिद्ध तोलियासर भैरव जी मंदिर में आग लग गई। नारियल फटने की आवाज पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और आग बुझाने की कोशिश की गई। कोटा जिले के चेचड़ कस्बे में कोटा स्टोन से लदे एक बेकाबू ट्रक ने भेड़ों के झुंड को कुचल दिया और ट्रक की चपेट में 10 भेड़े आ गई, जिनमें से 5 भेड़ों की दर्दनाक मौत हो गई है। तो वहीं भेड़ों को ले जाए जा रहे यहां पर चरागाहों ने भी भागकर अपनी जान बचाई है। जयपुर के विराटनगर थाना इलाके में चोरों का आतंक देखने को मिल रहा है। छितौली के जादू का बास गांव में 5 भैंसे चोरी हुई हैं और भैंस ले जाते वक्त एक भैंस की मौत हो गई है, जबकि भैंस चोरों के चंगुल से एक यहां पर भागी है। घटना को लेकर लोगों में नाराजगी है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।